जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज हम जा रहे हैं खाना खाने अपने पेरेंट्स के साथ। आज उनका बहुत दिल का आ रहा था, कह रहे थे कि आज हम खाना खाएंगे बाहर से, क्योंकि कल थी शब बरात और उसका सब ने रोज़ा रखा हुआ था आज। तो अफ्तारी के बाद अब वो कह रहे थे कि बाहर जाना है जी, खाना खाने जाना है। अफ्तार जो थी वो उन्होंने घर में बैठ के कर ली है, थोड़ा जिस तरह भी हल्का फुल्का खाना वो किया है। तो अब प्योर डिनर जो है वो अब कह रहे हैं कि बाहर जाके करना है। तो कोशिश करते हैं, अब निकलते हैं। टाइम हो गया काफ़ी देर से, मैं वेट कर रहा था। पहले मैं मोबाइल को कर रहा था चार्ज, मैंने कहा चले मोबाइल चार्ज हो ले। तो घर वाले को मैंने घंटा रोक के रखा, मैंने कहा आप रुकें तो फिर जाके ना खाना खाते हैं। अभी मुझे व्लॉग वगैरह बनाना है, तो मैं इसलिए जो है ना पहले अपना मोबाइल जो है वो चार्ज कर लूँ। तो उम्मीद है कि देखने वाले जो मेरे बहन भाई हैं सब, उन्होंने भी रोज़ा वगैरह रखा होगा, शब बरात की रात को जो है वो इबादत वगैरह कल की होगी। और मैं भी फ्रेश हो चुका हूँ, तो अब हम खाना वगैरह खाएंगे जाके जी। हाफिज़ साहब अपने घर हैं, हारिस भाई भी अपने घर हैं, या शायद बाहर के निकले हों, अभी उनका कोई अता पता नहीं है, देखते हैं। कोई रबता नहीं आज। हाफिज़ साहब का तो मेरे साथ हुआ था रबता, लेकिन उसके बाद अब वो भी, उन्होंने भी माशाल्लाह अपने घर सब ने रोज़ा रखा हुआ था, तो उन्होंने भी इफ्तारी वगैरह की है। फिर थोड़ी देर पहले मुझे कॉल भी आई थी कि आपका क्या हाल चाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? तो मैंने कहा हाँ जी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। तो अभी उनको मैसेज किया, मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ठीक है जी, मिलते हैं आपको फिर होटल में, तो वहाँ भी फिर आपको आगे ब्लॉग इंशाल्लाह देते हैं, ठीक है? ਸਾਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰਾ ਸਾਜੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਾਜ ਆਏ ਆਈ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਚਿਕਨ ਬਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ Oh, oh, oh.
कढ़ाई नूडल मानी है, एक कढ़ाई नूडल मानी है, प्लेटों में नहीं कढ़ाई में। हमारा डिनर आ चुका है, ठीक है, खाना वगैरह हमारा बन गया, मैं खाना वगैरह खाऊंगा और उसके बाद हम जाएंगे घर। और अभी घर वाले बता रहे हैं जंजला आया, वाकई है सही थे हैं वो जंजला आया, शुक्र है मैंने महसूस नहीं आया भाई, मैंने बहुत डर लगता है, तो सीधी बात है शुक्र है लगा कि नहीं महसूस हुआ, तो महसूस उसी को ही नहीं होता जो नेक काम करता है, तो अल्लाह उसको इस चीज़ से बचा लेता है। या अल्लाह तेरा शुक्र मैं महसूस नहीं हुआ मुझे जंजला, नहीं तो मैं बड़ा डरना था। तो जी अब दें इजाज़त, तो हम अपना खाना खा के तो अब जा रहे हैं घर, ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।